कलर कॉस्मेटिक Maybelline Faces Lakme 9 Plus Color Bar स्किन केयर में ओशिया वाओ रिच फील रागा और भी बहुत कुछ जो आपको मदद करे और भी खूबसूरत दिखने में पायल ब्यूटी कॉर्नर। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में जिस तरह से स्कूल फीस का मुद्दा चल रहा है कि फीस माफ़ किया जाए, अब चार ऐसे स्कूल हैं जो फीस माफ़ करने के लिए आगे आए हैं। इन स्कूलों के नाम हैं रोजरी हाई स्कूल, सनशाइन स्कूल, शरद मोरे इंग्लिश हाई स्कूल और जीनियस इंग्लिश हाई स्कूल है। इन स्कूलों के मैनेजमेंट ट्रस्टी सामने आए सदाब उस्मान सर, हासिम सर, संदेश बंसोड़े, इमरान शेख ने आज एनसीपी के सैयद अली भाई साहब के ऑफिस में ये फैसला लिया गया कि पेरेंट्स की जो फीस माफ़ करने की मांग है उस पर विचार विमर्श किया गया कि उसे कैसे पूरा किया जाए। हालांकि एक दिन पहले ही एनसीपी के तरफ से डायमंड हॉल में भी मीटिंग ली गई थी, मगर आज इन चारों स्कूलों के जिम्मेदार सैयद अली अशरफ भाई साहब और जफर नुमानी से काफ़ी देर तक चर्चा की, जिस पर रोजरी स्कूल के सदाब सर ने 3 महीने की फीस माफ़ की है लॉकडाउन के दरमियान की। इन्होंने कहा है कि अगर इस दरमियान की फ़ीस जो पेरेंट्स जमा भी कर दिए हैं तो उनके अगले 3 महीने की फ़ीस माफ़ की जाएगी। वहीं सनशाइन स्कूल के संदेश सर ने भी बताया कि अभी उन्होंने किसी तरह का फैसला नहीं लिया है, मगर पेरेंट्स की मदद करेंगे और जल्द ही फीस माफ़ पर भी कदम उठाएंगे। इसी तरह से शरद मोरे इंग्लिश स्कूल ने भी 8,000 फीस में से 3,000 फीस माफ़ की है। जीनियस इंग्लिश स्कूल ने भी 45% फीस कम की है और एडमिशन फीस 3,000 रुपये माफ़ की है। फीस माफ को लेकर पूरी जानकारी इन चारों स्कूलों की तरफ से क्या दी गई है सुनिए। देखिए, ऐसा है कि जो डायमंड हॉल में मीटिंग हुई जिसमें हम लोग ने एक रिक्वेस्ट किए थे कि जितना हो सके स्कूल के लोग आप बैठें, बैठ के वो डिसाइड करें कि हम मुमरा के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं। तो उस पर जो है हमारे चार स्कूल जफर नुमानी साहब के उसमें जो है हमारे सर संदेश सर और हमारे हाशिम सर ये लोग और इमरान ये 4-5 स्कूल आई है और वो ये चीज़ को सोच रहे कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं शहर के लिए और अपने जो उनके बच्चे उनके यहाँ जो पढ़ रहे हैं उनके लिए, उस पर वो लोग डिसीजन लेंगे, वो लोग बोलेंगे आपसे। ये मेरे ख्याल से रोजरी हाई स्कूल, सनशाइन हाई स्कूल, शरद मोरे इंग्लिश हाई स्कूल, जीनियस इंग्लिश हाई स्कूल, ये इतने चार लोग हैं और लोग भी कांटेक्ट में हैं। इन्होंने जो तय किया वो आपको सामने बोलेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि हम किसी के ऊपर प्रेशर या दबाव नहीं डालेंगे, है ना। जिसको शहर के लिए सोचना है शहर से ही, हमको यही शहर में रहना है, हमारा स्कूल भी यही शहर का है, तो हमको शहरवासियों के लिए कुछ सोचना है, नाजायज बात भी नहीं, जायज के अंदर बात जो हो वो बेहतर रहेगी। जो ये आज का वक्त है सबके लिए परेशान हालात है, लोगों के काम और रोजगार वगैरह भी नहीं है, तो स्कूलों की तरफ से स्कूल तो हमेशा पेरेंट को सपोर्ट करती रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी। मेन मकसद जो है इस शहर को एजुकेशन देना। आज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात चल रही है कि बच्चे ड्रॉप आउट की तरफ जाने वाले हैं या जाएंगे, अल्लाह ऐसा ना करे। इस लिहाज से अभी हमने भी बहुत सी चीज़ें सोची हैं और अभी तक भी हम करते रहे थे और लास्ट ईयर में भी बच्चों के फीस के प्रॉब्लम रहे हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो तालीम की अहमियत पे है और हम उस अहमियत को हमेशा कायम रखना चाहते हैं। इसके लिए लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं और आज की जो ये मीटिंग थी इसमें हमने ये हमारे स्कूल ने ख़ासतौर से ये डिसाइड किया है कि हम 3 महीने की फ़ीस बच्चों के लिए माफ़ करेंगे। माफ़ मतलब ये होता है कि अगर किसी ने भर दिया है तो अगला 3 महीना उनको हम एडजस्ट करेंगे और जो नहीं भरे हैं उनके लिए भी 3 महीना जो है हमारी तरफ से छूट रहेगी। ऑनलाइन एजुकेशन शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह, हर बच्चे जिसने फीस दिया हो या नहीं दिया हो रोजरी में, रोजरी का अपना एक वो है, सारे बच्चे हमारे वहाँ ऑनलाइन में एडमिट हैं और वो क्लासेस कर रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे शहर का कोई भी बच्चा एजुकेशन से महरूम रह सके। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी प्रियोरिटी जो होती है वो यही है कि हम एजुकेशन दें। ये एक अलग चीज़ है कि हालात इंशाल्लाह बहुत जल्दी सही होंगे और हम अलग मुकाम में पहुँचेंगे।
एक थोड़ी सी तकलीफ ये है कि लोगों ने इन 6 महीनों में सिर्फ एक ही चीज लिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बाकी और मुमरा में कुछ है ही नहीं। और लोगों ने इसको एक बात जो कही जो दिल को बहुत लगी कि हम यहाँ पे कमाने बैठे हैं, दिस इज नॉट द राइट वे टू टेल लाइक दैट। अगर आप एजुकेशन को नहीं बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कौम बहुत पीछे जाएगी। हर जगह आपको फीस देनी पड़ती है और ये आपकी चॉइस होती है। कोई स्कूल ये नहीं कहता है कि आप अपने बच्चे को यहीं डालिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट की एक नाकामी है कि 1995 के बाद से कोई गवर्नमेंट के स्कूल नहीं बने। तो आज जो है एजुकेशन में 65% प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का शेयर है और उसी की वजह से एजुकेशन चल रही है। मैं एक बात आपको बताऊं, ये आप समझ लीजिएगा। और आज आपको आप इस वक्त में इंडिया में 2024 तक कम से कम 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रही है। हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, आज सब जगह प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। लेकिन एजुकेशन होगा कैसे? एजुकेशन एक गिव एंड टेक है, लेकिन हमारा बेसिक एम जो है हम बच्चों को आगे बढ़ा सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है आज से डिसाइड किया है, हमारे पेरेंट के लिए 3 महीने का हमने फीस छोड़ी हुई है। अगर किसी पेरेंट ने भर दिया है तो वो भी हम आगे इसी साल में वो 3 महीने के लिए एडजस्टमेंट उसको मिल जाएगा। मैं संदेश सर सनशाइन स्कूल से, पिछले 6 महीने से ऑनलाइन क्लासेस अपने स्कूल में चालू है। जो बच्चे फीस से परेशान है, जो बच्चे प्रॉब्लम में है और जो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स है एजुकेशन से रिलेटेड, सनशाइन उसके लिए हमेशा उसके दरवाजे खुले हैं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा, प्राइवेट सेंटर है मेरा, SNDT का सेंटर है और यशवंतराव चव्हाण का सेंटर है जिसमें कई बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। आज वो कई बच्चे जो है मेरे से दूर हो चुके हैं ड्यू टू पेंडेमिक। तो मैं चाहता हूँ कि अगर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो संदेश सर बैठे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है आके एक बार उसे डिस्कस करें, उसके प्रॉब्लम का हम लोग उसको सोल्यूशन वहाँ आपके वहाँ देंगे। हमने अभी तक डिसीजन लिया नहीं है, हम लोग बैठ के डिसीजन करके उनको जल्द से जल्द आपको बताएंगे। मैं शरद वी मोरे इंग्लिश हाई स्कूल का ट्रस्टी। हम हजरत सैयद शहीद राह मदीना मुसन्ना मियाँ को मानने वाले लोग हैं और उनका कॉल है कि हमेशा कोई भी बिजनेस, कोई भी तिजारत जिल वर्जा के ऊपर आपको ये करना है। तो यहाँ तो हम एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं फिलहाल, ऐसे वक्त में जब ये पैंडेमिक का दौर है, हम देख रहे हैं कि हमारे सारे नेता, हमारे सारे डॉक्टर्स, हमारे सारे टीचर्स, सभी लोग कुछ ना कुछ अपना योगदान दे रहे हैं। तो उसमें हम इन इंस्टीट्यूट वालों ने भी अपने बड़ों का मान रखते हुए हमने भी सोचा कि हमारा भी कोई योगदान हो। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने, हमारे ट्रस्ट ने ये डिसाइड किया, हमारे नगर एक्टिव नगर सेवक जो हर स्कूलों में दौड़ रहे हैं अपने समाज के लिए, जफर नुमानी साहब, हमारे आदर्श सैयद अली भाई साहब जो हमारे मुमरा के बहुत अच्छे समाज सेवक हैं, हमारे पत्रकार, सबकी चाहत है कि जनता के लिए कुछ हो। और हमारी अपनी चाहत है कि जो पेरेंट्स से हम आज बड़े हुए हैं, जो आज जो पेरेंट्स के सपोर्ट से आज इतने सालों से हम धीरे 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 आगे बढ़े हैं, उन पेरेंट्स के लिए हमारा भी योगदान हो। तो मैंने ये डिक्लेयर किया है, मेरे पूरे साल की फीस 8,500 रुपये है, जिसमें से अदर फीस जो एक्टिविटीज फीस है वो सारी चीज़ यानी 1500, और जून जुलाई और फर्स्ट टर्म हमारे जफर साहब सैयद अली साहब के कहने पर, कोई उनका फोर्स नहीं है, उन्होंने बोला कि सर करना है और मेरी भी इच्छा है, इसलिए हमने हमारे मैनेजमेंट डिसाइड कर लिया है कि हम ये 3,000 रुपया 8,500 में से माफ़ करेंगे। लेकिन मेरी पेरेंट्स से इल्तिजा है कि अब ये जो माफ़ भी हम कर रहे हैं तो वो एक पैनडेमिक पीरियड तक है, आप पैनडेमिक पीरियड तक आप जैसे भी हो सहूलियत से ये थोड़ा थोड़ा फीस भरिए, ताकि हम भी हमारे टीचर्स को बराबर तनख्वाह दे सके, हमारा लाइट बिल, हमारा भाड़ा, हमारा किराया, हमारे ऊपर भी बहुत सारी मुसीबतें हैं। तो जो लास्ट ईयर की फीस है वो आप पहले क्लियर कर दीजिए। मैं इस आपके माध्यम से मेरे पेरेंट्स को भी ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जो भी हम नगर सेवक की और हमारे बड़ों की सबकी बात मान रहे हैं, लेकिन आप लोग भी आपका जो ताउन है वो स्कूल के बनाए रखें, और ये स्कूल हमेशा आपका है और आगे भी आपका रहेगा। तो इंशाल्लाह जैसे भी होगा हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, बस आपसे इल्तिजा है कि आप भी हमारे साथ रहिए। मैं जीनियस इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल का चेयरमैन इमरान शेख। हमने ऑलरेडी मई मंथ में हमारे सैयद अली असरफ साहब भाई साहब के माध्यम से उनसे हमारी बात हुई थी, तो हमने ऑलरेडी
सारे पेरेंट्सों के लिए 45% डिस्काउंट फीस में कर चुके हैं, और हमारी जो एनुअल और एडमिशन फीस थी उनमें भी हमने 3000 रुपीज़ कम कर चुके हैं। और हमारे स्कूल का एक ही मकसद है कि अब शहर के बच्चों को किस तरीके से तालीम दी जाए। और ऑलरेडी हमारे स्कूल में मोर देन 300 स्टूडेंट्स को हम फ्री में तालीम देते हैं। तो और अभी इस वक्त भी हम पेरेंट्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं कर रहे कि आप फीस लाइए और फीस भरिए। बहुत से पेरेंट्स हैं जो फीस में भी इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, हम उनको फीस में भी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स का अगर कोई मसला है फीस के ताल्लुक से या कोई भी ताल्लुक से, वो हमारे ऑफिस में आइए और बात करिए। बच्चों की पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके, फीस को लेके बच्चों का एजुकेशन ना रोके। तो ये बड़ी खुशी की बात है हमारे शहर के लिए कि इस बुरे वक्त में अगर स्कूल ने ये कदम उठाया है तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और इनकी हिम्मत अफजाई को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि ये भी शहर के एक हिस्सा हैं। ठीक है, स्कूल चलाते हैं लेकिन शहर का एक हिस्सा है, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और हम लोगों ने, मैंने हमारे बड़े भाई सैयद अली अशरफ साहब, जो मेरे आदर्श हैं, जिनको मैं अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ, वो बड़े भाई, और हमारे मंत्री महोदय जनाब जितेंद्र अहवाड़ साहब, शमीम खान साहब, इन लोगों के मार्गदर्शन में मैं स्कूल में जाकर के बहुत पहले पहल कर चुका हूँ, जिसकी न्यूज़ इस्लामुद्दीन भाई आपके पराठ पर भी चली। और तो मैं आप लोग को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस जो ये पहल हुई स्कूल की फीस माफ करने के लिए, उसमें आप लोगों का भी बहुत अहम किरदार है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी जागरूकता फैलाई है। तो आज फिर एक बार हमारे पास जीनियस स्कूल के सरपरस्त मौजूद हैं, माइकल एरन स्कूल के भी सरपरस्त मौजूद हैं, सनशाइन स्कूल के भी सरपरस्त मौजूद हैं, और रोजरी स्कूल के भी सरपरस्त मौजूद हैं। ये लोग हमारे लिए एक आदर्श है, हम इनसे सीखते हैं। तो और इन्होंने अपने अपने तरीके से स्कूलों की फीस को माफ़ किया है, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और शहर के लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, जो जिसके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जितना पार्ट इन लोगों ने माफ़ किया है उतना पार्ट ही माफ होगा। पिछली साल की फीस जो बैलेंस है वो भरनी होगी उनको, उसके आगे की भी फीस उनको भरनी है। बाकी जो तरीके से जो भी रियायत होगी, जो स्कूलों ने रियायत दी है, उतना ही पार्ट को आप समझेंगे, यही पार्ट उनको माफ करना है, उसी पार्ट को उनको नहीं भरना है, बाकी तमाम पार्ट्स को उनको भरना है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ तमाम स्कूल के जिम्मेदारों को, मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि इस बुरे वक्त में अगर कोई एक तिनके की भी मदद कर रहा है तो ये इस वक्त समझ आइए कि उसका मामला बहुत ही अच्छा, शहर के लिए एक अच्छा मैसेज जा रहा है और स्कूल के भी एक अच्छा मैसेज जा रहा है। इससे स्कूल को भी बेनिफिट है, हमको भी बेनिफिट है, और शहर को भी बेनिफिट है। अल्लाह हाफिज़।